आईपीएल वुमन प्रीमियर लीग मैच दिल्ली वुमन वर्सेस मुंबई वुमन, जो कि भाई पहला मैच होने वाला है दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला में। और भाई यहाँ की पिच रिपोर्ट पहले बता देता हूँ, अरुण जेटली में मैच होने वाला है। यहाँ की बाउंड्री बहुत छोटी होती है और यहाँ पे बेंगलोर की तरह यहाँ पे भी बैटिंग करने में मज़ा आएगा आप सबको। और भाई इस मैच का भाई फाइनल टीम तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्यों नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं भी मैच देखने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको प्रेडिक्शन ऐसे बता के जाऊँगा कि मैच आपको जीतने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ग्राउंड में ना थोड़ा नेटवर्क इशू होता है तो वहाँ नेट नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं प्रेडिक्शन पहले ही बढ़िया करके जाऊँगा कि आपको टीम जीतने में आसानी होगी। फिलहाल देखो विकेट कीपर में यश भाटिया बहुत ही शानदार विकेट कीपर बैट्समैन है और सारे मैचों में परफॉर्मेंस करते हुए देखेंगे, बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग से शानदार प्लेयर है, एक ही प्लेयर है जो कि लेना लेना है। टी भाटिया, जो कि भाई टी भाटिया भी बहुत ही तगड़ी प्लेयर है, मगर डोमेस्टिक में ये ओपनिंग से फर्स्ट डाउन करती है, मगर यहाँ पे आईपीएल वुमन प्रीमियर लीग में इसका बैटिंग ऑर्डर है छठा सातवां, उससे भी नीचे सॉरी, क्योंकि यहाँ पे शिपाली वर्मा है लैंडिंग है, इस कारण इसको ओपनिंग नहीं करने का मिल रहा। फिलहाल और कोई तो है नहीं, बैटिंग की ओर चलते हैं। जो है एम लर्निंग, जो कि दिल्ली वुमन की कप्तान है, बहुत ही शानदार प्लेयर है और बहुत ही तगड़ी प्लेयर है और रिसेंट फॉर्म भी बहुत तगड़ा चल रहा है। और भाई हरमनप्रीत कौर, आज मुझे लग रहा है दिल्ली में मैच है तो शायद खेलती हुई दिखे, और खेलेगी तो इम्पोर्टेंट है, दोनों मैचों में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके गई है। शिफाली वर्मा भाई बहुत ही तगड़ी प्लेयर है भाई, तीन मैच में लगातार परफॉर्मेंस करके आ रही है और भाई बैटिंग तो सबको पता है छोटे ग्राउंड में कैसे करती है। जमीकर आउटिस भाई दो तीन मैचों से मैं देख रहा हूँ फ्लॉप हो रही है, मतलब हो सके आज के मैच में ये आपको 30 प्लस पॉइंट देते हुए दिखे, बहुत ही शानदार बैट्समैन है, तो भाई आप लेना ही लेना है। और भाई एक और भाई मुंबई की बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है, मगर अब मुंबई के पास 10 से 9 ऐसे प्रॉपर ऑलराउंडर है जो कि ओवर भी डालते हैं बैटिंग भी डालते हैं, तो इस कारण इसको ओवर नहीं मिल रहा। देखो ये भी मुंबई की है, काशी को भी एक भी ओवर नहीं मिल रहा, काजी भाई। देखो इतने सारे मेन गेंदबाज, देखो एक ये भी है संजना, डोमेस्टिक में जाके इसका रिकॉर्ड चेक कर लो भाई, ये तीसरे चौथे में बैटिंग करती है प्लस 4 ओवर पूरे डालती है, मुंबई इंडियंस में ये आपको ओवर ही नहीं डालते हुए दिखेगी और बैटिंग भी 7वें 8वें पे करते हुए दिख रही है, तो मतलब इससे पता चलता है मुंबई के पास कितने ऑलराउंडर हैं। फिलहाल देखो ऑलराउंडर की साइड चलते हैं, हैली मैथ्यूस मुंबई की बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक ही चल रहा है, मतलब ठीक ठाक मतलब 30 से 40 पॉइंट हर मैच में तेज आ रही है। फिलहाल देखो ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगी प्लस 3 से 4 ओवर डालते हुए दिखेगी और ताबड़तोड़ वेस्ट इंडीज़ की ओपनिंग बैट्समैन है, और तो लेना ही लेना है। और मुंबई इंडियंस की एन सीवर, जो कि अभी कप्तानी कर रही है क्योंकि हरमनप्रीत कौर इंजरी के कारण 2-3 मैच मिस कर चुकी है, और ये भी बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है, फर्स्ट डाउन प्लस 4 ओवर पूरे डालती है, बहुत ही तगड़ी ऑलराउंडर है, लेना ही लेना है। एम कैप भाई, एम कैप खेलेगी, ये भी कप्तान वाइस के दावेदार है, क्यों, क्योंकि ये भी चौथे पे आपको बैटिंग करते हुए दिखेगी और पूरे 4 ओवर डालती है, वो भी बहुत तगड़ी ऑलराउंडर है। फिलहाल तो अभी नहीं खेल रही तो मैं नहीं ले रहा, खेलेगी तो मैं पिक कर लूँगा। एक एयर ये भी अपनी कप्तान वाइस के दावेदार है, ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हुए दिखेगी और बहुत ही शानदार है, चौथे में बैटिंग प्लस 4 ओवर और लास्ट में 1 से 2 ओवर डालती है, और मेरी विकेट टेकर में सबसे ज़्यादा विकेट इसी के हैं 7 विकेट, तो इस कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसीपी भाई पहले मैच में इसने ओवर डाला था और ओवर और बैटिंग से दोनों पॉइंट दे गई थी, और पिछले 2 मैचों से लगातार बैटिंग से ही पॉइंट दे रही है और बहुत ही शानदार बैट्समैन है, और ये आपको फर्स्ट डाउन सेकेंड डाउन करते हुए दिखेगी। ए जॉनसन भाई पहले मैच में हमने लिया था, किसी की टीम में नहीं थी, वन साइड हमें जिता के गई है 150 पॉइंट, और सेकंड मैच में हमने वाइस या कप्तान इसको बनाया था, उसमें भी हमारा इजी विनिंग हुआ था, तो ये भी कप्तान वाइस के दावेदार है, लेना ही लेना है। ए स्विट्जरलैंड ये भी भाई बहुत ही तगड़ी प्लेयर है, मगर अभी 2 मैचों से मैं देख रहा हूँ इतना परफॉर्मेंस का आ नहीं रहा, तो हो सके भाई ये आपको 50 से 60 पॉइंट देते हुए दिख सकती है, फिलहाल मैं लेना ही लेना है। और कोई, अब देखो एक और MI की ऑलराउंडर SB, इससे भी भाई उतना कुछ करा नहीं रहे, 1-2 ओवर डलवाते हैं, कभी कभी नहीं डलवाते,
तो फिलहाल इन सब की साइड ध्यान नहीं देंगे, गेंदबाजी की ओर चलते हैं। एम इस्माइल भाई ये भी खेलती है तो साउथ अफ्रीका की बहुत ही शानदार गेंदबाज है। दोनों मैचों में आपको फर्स्ट मैच में 40 पॉइंट, दूसरे में 113 पॉइंट, मतलब बहुत ही शानदार गेंदबाज है। शिखा पांडे भाई लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, शिखा पांडे थोड़ी बढ़िया गेंदबाज है, स्लोवर अच्छी डालती है, डेथ में ओवर डालती है और बहुत ही तगड़ी गेंदबाज है। रिसेंट भी फॉर्म हर मैच में 20 से 30 पॉइंट देके जा रही है। पूजा वासरेकर भाई पिच में जब हेल्प मिलता है तो ये ओवर बहुत ही शानदार डालती है। पिछले मैच में 3 ओवर डाल गई, 2 विकेट लेके गई है, तो भाई अच्छी गेंदबाज है, चाहो तो आप ले सकते हो। एस इस्माइल भाई ये ग्रैंड लीग की पिक है और ये आपको 2 से 1 ओवर डालते हुए दिखती है हर मैच में। फिलहाल मुझे तो इतना खास नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि इससे ओवर जब तक 4 नहीं डलवाएंगे जब तक प्रॉपर गेंदबाज नहीं रहेगी। राधा यादव भाई इसका तो कोई रिकॉर्ड चल रहा है, पहले मैच में 2 ओवर डालती है, फिर दूसरे मैच में 4 ओवर डालती है जिसमें ये आपको 4 विकेट पूरे ले जाती है, और तीसरे मैच में फिर ये 2 ओवर डालती है, विकेट नहीं लेके जाती। मतलब एक मैच चलती है, एक मैच है फ्लॉप है, रिकॉर्ड के हिसाब से मतलब ये मैच ये फ्लॉप जाने वाली है, तो इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा। आई जोन जो कि मेरी फेवरेट गेंदबाज है, प्लस बैटिंग भी करती है, इसलिए मुझे ज़्यादा ही पसंद आती है, तो मैंने ले लिया है। और दिल्ली की रेड्डी मुझे बहुत ही शानदार ऑलराउंडर लगती है, इसका ये बैटिंग ऑर्डर डाउन है मगर हर मैच में आपको 30 से 40 पॉइंट लेते हुए दिखेगी। और एक और गेंदबाज है टीसासा सिंधु भाई, इसने पहले मैच में ये भी बॉलिंग में अच्छा डल गई, 2 ओवर 1 मैडन, मतलब बॉलिंग बढ़िया डाल रही थी मगर पूरे 4 ओवर नहीं डलवाएंगे तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल अपनी प्रेडिक्शन टीम तैयार हो चुकी है जिसमें कप्तान वाइज के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें भाई अपना है हेडन केयर जो कि कप्तान वाइज की बहुत ही शानदार दावेदार है और मैं कप्तान इसी को बनाने वाला हूँ क्योंकि डेथ में 2 ओवर डालती है प्लस बैटिंग तो बहुत ही शानदार करती है। ACP का भी है भाई, बहुत ही तगड़ी ऑलराउंडर है, 12.5% है इसकी वाइस की। एस जॉनसन भी है, बहुत ही तगड़ी ऑलराउंडर है, ये भी दोनों मैचों में एक में 150 एक में 100 पॉइंट देके आ रही है। एन सिवा की भी 17% कप्तान और वाइस की आ रही है, ये भी तगड़ी ऑलराउंडर है। हेला मैथ्यूज की 7 की आ रही है, ये स्विट्जरलैंड की भी 150 की आ रही है। तो फिलहाल मैं अभी जॉनसन और हेडन केयर के साथ जा रहा हूँ। प्रेडिक्शन टीम अपनी तैयार हो चुकी है जिसमें अपना पहला विकेट कीपर में नाम आता है यश भाटिया, बैटिंग में आता है एम लर्निंग, शिफाली वर्मा, हेलो मैथ्यूज, एन सीवार, एडन केयर जो कि अपनी कप्तान है, ACP है जो कि बहुत ही तगड़ी बैट्समैन है दिल्ली की, और एच जॉनसन है, ए स्विट्जरलैंड है, आई जोन है और ए रेड्डी है। भाई अपनी टीम प्रेडिक्शन टीम आपको सामने आ चुकी है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना, मिलते हैं फाइनल टीम के साथ। और एक बात जाने से पहले कह देते हैं भाई, मैच आपको ये टीम नहीं मिलेगी, फाइनल टीम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उस समय हम ग्राउंड में होंगे और मैच का लुत्फ़ उठा रहे होंगे।